बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के अंतर्गत हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का सत्र हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये जो है ये सेकंड पार्ट है। पिछले उसमें हमने पार्ट वन का देखे थे, तो आगे हम देखेंगे उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार क्या है? अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र में प्रगति कर पाते हैं उसे अच्छे उद्योग क्षेत्र होने चाहिए जिसमें कि उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, इसमें आधुनिकीकरण समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत कम उद्योग थे, जो अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रसिद्ध बंदित जो कुछ फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें औद्योगिक आधार पर विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। फिर भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, इसमें बहुत से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी थे जिसमें नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि यदि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक पतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि उद्योगपतियों को परियोजनाओं को शुरू करने में प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी और इन्हीं कारणों सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की व्यापक भूमिका निभानी पड़ी जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया था कि अर्थव्यवस्था बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे और निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका में भी निभाएगा। फिर औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, भारी उद्योगों के नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव बनाए गए थे जो कि 1956 में अंगीकार किया गया था और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। उद्योग को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल थे जिसमें सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में उद्योग वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास करने थे जिसमें नई इकाइयां भी शुरू करना था। तीसरे वर्ग में वे उद्योग थे जिसमें निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे जिसमें हम देखेंगे कि जैसे कि सार्वजनिक में सरकारी हो गया, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों हो गया और तृतीय क्षेत्र में जो था वह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आया। निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योग का भी एक वर्ग था जिसमें कि लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था और उन उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सरकार से वह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया जाता था। और इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए जो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त कुछ इकाइयों में रियायतें भी दी गई थी जैसे कर लाभ, कर प्रशुल्क पर बिजली दी गई थी। इस तरह से कई नीति के उद्देश्य जो है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। फिर देखेंगे लघु उद्योग। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति की जिसे करवे समिति भी कहा जाता था इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योग को प्रयोग किया जाना आवश्यक था जिसमें लघु उद्योग की परिभाषा में किसी कई परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाली अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी। 1950 में लघु उद्योग इकाई उसे कहा जाता है जो कि 5 लाख रुपए से अधिकतम निवेश करती है उसे लघु उद्योग कहा गया है। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं, बड़े औद्योगिक फर्मों के लिए साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इससे यह स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों विकास के लिए बड़ी फर्मों में उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है और उनके उद्देश्य के लिए उत्पादों को लघु उद्योग में आरक्षित कर दिया गया था। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाई उन वस्तुओं के निर्माण का उपयोग करना है जिसमें कि उन्हें रियायतें दी गई जैसे कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण प्राप्त करना। फिर व्यापार की नीतियाँ। व्यापार की नीतियों में आयात प्रतिस्थापन जो व्यापार की नीति जो बनाई गई थी उसमें सबसे पहले जो औद्योगिक नीति व्यापार नीति घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी जिसमें कि तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा गया था। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा पूर्ति करना था और वाहन के लिए निवेश की निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति
विदेशी प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योगों की रक्षा की और आयात संरक्षण के दो प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता था और प्रशुल्क लगाने के आयातित वस्तुओं तो अधिक महंगी हो जाती थी, जिसमें वस्तुओं का प्रयोग हतोत्साहित करती थी। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्मित होती थी और आयात किया जाता था। प्रशुल्क कोटे का प्रभाव यह होता था कि आयात प्रतिबंधित हो जाते थे, उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धी देशी फर्मों की भी रक्षा हो जाती थी और संरक्षण से नीति आधार पर यह आधारित था कि विकासशील देशों में उद्योग अधिकतम विकसित द्वारा उत्पादित वस्तुओं प्रतिस्पर्धा करने में स्थिति में नहीं था। फिर घरेलू उद्योगों संरक्षण किया जाता था, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। और इससे योजनाकारों की यह आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। 1980 के दशक में मध्य के निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। फिर औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां बहुत उल्लेखनीय रही है, जिसमें 50-51-13%, 90-91 में 24.6% हो गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में 6% वार्षिक वृद्धि दर प्रशंसनीय थी और उद्योग जो है सूती वस्त्र पटसन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था और साथ ही साथ इससे यह बड़े फर्मों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी नहीं थी। इसके बाद भी वह विदेशी प्रतिस्पर्धाओं के संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उद्योगों का विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा असंभव उस समय पर नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए गए योगदान के बावजूद भी अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है, जिससे प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। उसमें फिर उद्योगों में कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एकाधिकार रखते हुए यह भी जारी किया गया कि इनकी कोई जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जैसे दूर संचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्रदान किया गया। जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र में फर्म की उपलब्ध करा सकते हैं और 1990 के दशक में अंत तक भी प्रतिस्पर्धा होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड विनिर्माण करने के लिए एक फर्म थी, जैसे निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था, जैसे 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई थी। उसी तरह से हम देखेंगे कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है, दूसरा निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि क्षेत्र में हट जाना चाहिए। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं के संसाधन संकेतन कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकती। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ उद्योग घरानों का दुरुपयोग किया गया, जैसे बड़े उद्योगपति नए फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस लेकर लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई और उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में ही संबंधित कार्यालयों में लॉबी में बनाने के समय व्यतीत करते थे। फिर विदेशी प्रतिस्पर्धा में संरक्षण की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि इस स्थिति में के बाद जो जारी रहा, जिसे सिद्ध हो चुका है कि लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होता होगा और आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। इस तरह से हम देखेंगे कि एक आबद्ध बाजार है, जिसमें कि अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों में प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया, क्योंकि यहाँ पर उसी वस्तु की प्रतिस्पर्धा चालू हो गई थी, इसमें क्वालिटी मेंटेन करना आवश्यक हो गया था। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना, और इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए था। फिर मूल्यांकन के आधार पर ही उस द्वारा कमाए गए लाभ के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादों को संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहें, और विरोधों के कारण अर्थशास्त्र ने हमारी नीति परिवर्तन करने का आग्रह भी किया था। फिर हम निष्कर्ष में देखेंगे, प्रथम 7 वर्षीय योजना में दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति उल्लेखनीय रही है और साथ ही साथ विविधतापूर्ण हो गए थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया था, जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन हो गया था। इस तरह